नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको गुलजार साहब की दो बेहतरीन कविता सुनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली कविता का नाम है खुदा, गुलजार साहब द्वारा लिखी गई। पूरे का पूरा आकाश घूमकर बाजी देखी मैंने, काले घर में सूरज तुमने शायद सोचा था, मेरे सब मोरे पिट जाएंगे। मैंने एक चिराग जलाकर अपना रास्ता खोल लिया, तुमने एक समुंदर हाथ में लेकर ठटेल दिया मुझ पर। मैंने नूह की कश्ती उसके ऊपर रख दी, काल चला तुमने और मेरी जानीब देखा। मैंने काल को तोड़कर लंबे लंबे जीना सीख लिया, मेरी खुदी को तुमने चंद चमत्कारों से मारना चाह। मेरे एक प्यादे ने तुम्हारे चांद सा मोरा मार लिया, मौत की शाह देकर तुमने समझा अब मात हुई। मैंने जिस्म का खोल उतार कर सौंप दिया और रूह बचा ली, पूरे का पूरा आकाश घूम कर अब तुम देखो बाजी। गुलजार साहब की दूसरी कविता का नाम है वक्त को आते जाते ना गुजरते देखा। चलिए शुरू करते हैं गुलजार साहब की कविता। वक्त को आते ना जाते ना गुजरते देखा, ना उतारते हुए देखा कभी इलम की सूरत, जमा होते हुए मगर एक जगह देखा है। शायद आया था वो ख्वाब से दबे पांव लिए, और जब वो आया ख्यालों को एहसास ना था। आंखों का रंग टुल्लू होते हुए देखा जिस दिन, मैंने चूमा था मगर वक्त को पहचाना ना था। चंद तुतलाते हुए बोलों की आंट सुनी, वो उसकी बेटी मेरी चिकनी सी रेशम की डाली, लिपटी लिपटाई रेशम के तंगों में पड़ी थी। मुझे एहसास नहीं था कि वहाँ वक्त पड़ा है, पालना खोल कर जब उतारा था बिस्तरे पर, लोरी के बोलों से सुआ था एक बार उसको, बढ़ते नाखूनों में हर बार त्रासा भी था। चूड़ियां चढ़ती उतरती कलाइयों पर मुसलल, और हाथों पर चढ़ती उतरती थी किताबें। मुझको मालूम नहीं था वहाँ वक्त लिखा है, वक्त को आते ना जाते ना गुजरते देखा, जमा होते हुए मगर देखा उसको मैंने। इस वर्ष वो उसकी 18 वर्ष की हो गई। आपको ये कविताएं कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आपको ऐसी ही कविता सुननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ नया लेकर।